when we look at the personal portfolio selection so there are a number of factors that play an important role in deciding or defining what will be your portfolio how it will be selected so the first important determinant is the life cycle so if we look at the overall characteristics of the life cycle a person is having so there can be a certain the age of that particular individual the family status या उसका इनकम स्टेटस क्या है वो कौन से स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंजॉय कर रहा है उसका ऑक्यूपेशन क्या है उसकी इनकम कितनी है उसके पास कितना वेल्थ है ये तमाम चीज़ें उसके लाइफ साइकिल के को इन्फ्लुएंस करेगी उसके लाइफ साइकिल को डिफाइन करेगी कि वो अपने पूरे लाइफ साइकिल के किस पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंट पीपल तो देर कुड देर इज़ एन एग्जाम्पल के हम अगर एक लें कि कोई यंग कपल है जो कि रिसेंटली मैरिड हुआ है मैरिड है अभी शादी हुई है उनकी तो उन वो उनके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी है या वो सेव करना चाह रहे हैं तो उनके पास जो अभी सबसे अहम तरीन चीज़ होगी उनके माइंड में कि हम अपने पोर्टफोलियो या अपनी वेल्थ का क्या करें तो उनके माइंड में यही होगा कि हम सबसे पहले अपने लिए घर खरीद लेते हैं अगर उनके पास घर नहीं है लेकिन अगर हम इसी तरह से एक और कपल की एग्जाम्पल लें जो कि रिटायरमेंट के, के करीब हैं तो अब वो क्या चाह रहे होंगे उनके पास अगर घर है तो वो ये चाहेंगे कि हो सकता है कि वो ये चाहेंगे कि वो अपना घर बेच के कुछ एक रेंट वाले घर में ले चले जाएं और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करें अपना घर बेच के जहाँ से उनको जब तक वो जिंदा रहें तब तक कोई एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी का कैश इनफ्लो आता रहे उनको पैसे मिलते रहे ताकि वो काम किए के बगैर एक रीजनेबल जिंदगी को गुजार सके तो एज यू कैन सी के दो कपल्स की मैंने एग्जाम्पल ली है एक रिसेंटली मैरिड है एक क्लोज टू देयर रिटायरमेंट है दोनों की जो ऑब्जेक्टिव हैं या गोल्स हैं वो फ़र्क हो सकती हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली उनके लाइफ साइकिल का पोजिशन इंडिविजुअल्स का डिसाइड करता है या डिटर्मिन करता है कि उन्होंने किस किस्म की पोर्टफोलियो डिफाइन करनी है और देर कुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जिन में ओल्ड कपल जाएगा डिफरेंट तरह की फाइनेशियल अपॉर्चुनिटीज़ या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन में जिनको डिफाइन करेगा पोर्टफोलियो जिनका वो जो यंग कपल है जो कि रिसेंटली मैरिड है तो दीज आर दी थिंगस बिच वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो पोर्टफोलियो सेलेक्शन में लाइफ साइकिल प्ले जा क्रिटिकल रोल सिमिलरली आपके पास इनहेरिटेंस के कितने पैसे हैं आपके अबाजी कितने रिच हैं या किस रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं आप या एक मिडिल इनकम ग्रुप से फॉल में फॉल करते हैं आप ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं टूगैदर दे इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीशन एंड दे विल हेल्प यू इन के वट हाउ योर पोर्टफोलियो विल बी डिसर इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एज एड अर्लियर इवन इफ your conditions are same similar to another individual, So there could be certain preferences which may can influence the eventually selection of the portfolio. So you might end up in altogether a different portfolio even if you are similar in a number of characteristics. So a portfolio, sare logon ko appropriate lagega. Unke life cycle can help us in understanding what type of different possible. Instruments or different possible investment opportunities they would like to go for.